बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 50-60 प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनमोल खालिद। जैसे कि नाज़रीन आप भी जानते हैं कि महरमुल हराम का महीना शुरू हो चुके हैं और इस्लामी साल का आगाज भी महरमुल हराम में ही होता है। अगर बात की जाए अहले बैत के घराने की, तो अहले बैत ने तो दीन बचाने के लिए हजारों कुर्बानियां पेश की। अहले बैत ने तो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए यहां तक के जान का नजराना भी पेश कर दिया। हक और बातल की जंग में आखिर फतह हक की हुई। रहती दुनिया तक योम अशूरा की मुनासबत से हजरत इमाम हुसैन के साथ महरमुल हराम के दिन मुंसलिक हुए। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी दीन की सरबुलंदी के लिए, नाना का दीन बचाने के लिए, हक और सच के लिए थी। आज हम महरमुल हराम को मौजा बहस बनाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 110 न्यूज की प्रोग्राम डिप्टी इन एक्शन की एंकर पर्सन युसरतुलाइन। मैं इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। युसरा आप कैसी हैं? ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा युसरा, आप हमें ये बताएं कि इस माह को महरम क्यों कहते हैं? जैसा कि आपने बताया कि इस्लामी महीने का, इस्लामी साल का आगाज हो चुका है। इस साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि इस महीने में जंगो कताल हराम है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे प्यारे दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी गई और इस साल के शुरू होते ही, बल्कि इस माह के शुरू होते ही एक ऐसा वाकया यकीन दहानी करवाता है जिसको देख के या जिसको सुन के हम लोगों के, मुसलमानों के दिल दहला जाते हैं। वो वाकया हुआ के करबला है, जो कि हमें ये पैगाम देता है कि हमें अपने दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ लुटा देना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी जान देने से भी गरेज नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताए कि मुहर्रम की माह की खासियत क्या है? इस माह की खासियत, सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये शुरू से ही मुकद्दस चला आ रहा है। इस माह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिली, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से निजात मिली, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए, पहली बारिश हुई। अल्लाह ताला ने आसमान, कलम, जमीन, आसमान सब कुछ 10 मुहर्रम पर पैदा किया। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आखिरत का दिन भी यही मुकर्रर है। अच्छा नासरीन, आप हमारे साथ ही लेगा, अभी मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, यूएसबी, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए रब्ता करें 03-08-611-7782, 03-07-97-91-110। फीमेल होलसेलर रब्ता करने के लिए 03-01-78-4-110। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि नाजरीन हम ब्रेक पे जाने से पहले महरमुल हराम के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं युसरा से डिस्कस करती हूँ। अच्छा युसरा, आप मुझे ये बताएं कि एक गुनाहगार मुसलमान में और सच्चे मुसलमान में क्या फर्क है, इस सब के हवाले से आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से जिंदगी उसी की कीमती है जो अल्लाह को राजी करते हुए दाव पर लगा दे। वो लोग जानवरों से भी बदतर है जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, जो चंद सिक्कों के लिए अपने जमीर के सौदे करते हैं और चंद कौड़ियों पर अपनी गैरत को भूल जाते हैं, दुनियावी लज्जतों के लिए इंसानियत का लिबास उतार देते हैं। अल्लाह की नजर में भी वो लोग गुनाहगार हैं। सच्चा मुसलमान वही है जो अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, उनके बताए हुए तरीकों पर अमल पैरा हो और अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिर को भी संवारे। जी नाज़रीन, यहाँ मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, अभी मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, यूएसबी, कार रीडर दस्तयाब हैं।
आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए रब्ता करें 03-08-611-782 03-07-97-91-110 फीमेल होलसेलर रब्ता करने के लिए 03-01-784-110 वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि नाजरीन हम ब्रेक पे जाने से पहले महरमुल हराम के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। अच्छा यूसरा, ये बताएं कि आप हजरत इमाम हुसैन की शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से ना तो ऐसे अल्फाज हैं और ना ही कोई ऐसा कलम है जो उनकी शख्सियत को बयान कर सकता है। फिर भी एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि गर्मियों के रोजे होते हैं, हम लोग 12 घंटे भूखे और प्यासे रहते हैं। जब अफ्तारी का वक्त आता है तो उस वक्त हम लोग भूख और प्यासे इस कदर निढाल होते हैं, बल्कि तड़प रहे होते हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे 72 घंटे तक भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते रहे। इस बर्दाश्त में भी उनके सामने जो खड़े थे वो इंसान के रूप में दरिंदे थे। जी नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। हमने महरमुल हराम के ऊपर डिस्कस की। अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को महरमुल हराम के महीने का इहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी होस्ट अनमोल खालिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।